तो वात के लिए बिल्कुल आपको सामान्य उपचार बताते हैं, हम घरेलू उपचार बताते हैं। किस विकल्प को आप चुने, तो विकल्प ऐसा हो जिसमें समग्रता हो, इंक्लूसिव हो, स्थायित्व हो, सस्टेनेबल हो, विकल्प सस्ता भी हो, कम से कम हानि हो, कम से कम उसमें खर्चा लगता हो, कम से कम हानि हो या बिल्कुल ही हानि ना हो, और लाभ अधिकतम हो या पूरा हो। तो इन सारी कसौटियों पर, माने अधिकतम लाभ, कम से कम खर्च और कम से कम उसके दुष्प्रभाव, नहीं मैंने कहूँगा कि 100% उसका कोई दुष्प्रभाव नहीं, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं, और उसमें स्थायित्व है, जो आपको लाभ होगा वो परमानेंट होगा, और जो लाभ होगा वो समग्रता से होगा, इंक्रीसिव होगा। जैसे हम आपको वात रोगों की बात कर रहा हूँ, तो वात रोगों के लिए मैंने सामान्य जोड़ों के दर्द से लेकर के रोमेटॉइड अर्थराइटिस से लेकर के क्रोनिक अर्थराइटिस से लेकर के हड्डियाँ, मांसपेशियाँ, पूरा शरीर जर्जरित हो गया, माने सर्वाइकल स्पोनाइटिस, एंक्लोजिंग स्पोनाइटिस, पूरी हड्डियाँ, मांसपेशियाँ, स्नायु तंत्र सब बेकार हो जाते हैं, ऐसे लोगों को मैंने ठीक किया है। और क्या है उपचार, अब मैं इसके 10 विकल्प आपको देता हूँ। हो सकता है किसी को सारे के सारे विकल्प सूट करें, हो सकता है एक दो विकल्प आपको आपकी प्रकृति के अनुकूल। देखो, लाभ की मात्रा में 3 कारण हैं। एक कि आपकी बॉडी कैसे रेस्पोंड करती है, आपको रोग का स्तर कितना है। जैसे किसी किसी का पेनक्रियाज बिल्कुल ही जो है रेस्पोंड नहीं कर रहा है, बीटा सेल्स डिजनरेट हो गए हैं, लंग, हार्ट, थायराइड, फिर आपकी बोन्स, माने बॉडी का एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, बोन फॉर्मेशन, बोन रिजॉर्प्शन, ये पूरा आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है। यदि बॉडी पूरी सपोर्ट नहीं कर रही है तो थोड़ा सा वक्त लग सकता है, बस इतना ही भेद है। सबकी बॉडी की टेंडेंसी एक जैसी नहीं होती है, सबकी माइंड की टेंडेंसी एक जैसी नहीं होती है, बॉडी की कंडीशन, टेंडेंसी, कंडीशन, बॉडी की प्रैक्टिस, और सबका स्ट्रक्चर, कैरेक्टर, सबके थोड़े अलग अलग होते हैं। वातावरण घर का एक जैसा नहीं होता है, आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव का भी हमारे ऊपर बहुत गहरा असर पड़ता है, इसलिए थोड़ा लाभ की मात्रा कम ज़्यादा हो सकती है। तो मैं आपको 10 विकल्प बताता हूँ किसके लिए, जोड़ों के दर्द के लिए, अर्थराइटिस के लिए, गाउट के लिए, सर्वाइकल स्पोनाइटिस पेन के लिए, दर्दों के लिए, चाहे वो हड्डियों में, अस्थियों में दर्द है, चाहे वो मांसपेशियों में दर्द है।